उमरिया मानपुर जनपद पंचायत के अमरपुर सहकारी समिति में खरीदी केंद्र प्रभारी द्वारा लोगों को परेशान किया जा रहा है। किसान प्रबोध गौतम निवासी अमरपुर के द्वारा बताया गया कि खरीदी केंद्र प्रभारी द्वारा 12 मई से खरीदी बंद की गई थी, जो 23 मई तक बंद थी। हमारे द्वारा प्रभारी से पूछा जाता था तो कह देते थे कि बंद है अभी, लेकिन अपने चहितों की खरीदी रिकॉर्ड में कर रहे थे। चारों ओर खरीदी केंद्र प्रभारी से लोग परेशान नजर आए। किसान जिनका 25 मई को मैसेज था, वह सुबह से केंद्र पर अपना गेहूं लेकर बैठे हैं, लेकिन प्रभारी द्वारा उनको बोरी ही उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है। इस विषय में जब हमारे संवाददाता राष्ट्रीय मिश्रा एवं सहयोगी द्वारा खरीदी केंद्र प्रभारी से बात करना करी गई, तो उन्होंने कोई भी बात करने से इनकार कर दिया। इसके पीछे क्या सच है, खरीदी केंद्र प्रभारी द्वारा क्या छुपाया जा रहा है, ये जाँच का विषय है। यहाँ खरीदी केंद्र में बड़ी अराजकता फैली हुई, कोई सभी किसान और दो तो तीन दिन तक उनको बसना पड़ता है, कोई देखने वाला नहीं है यहाँ। न टाइम से खरीदी हो रही है, न तौलाई हो रही है। ये कहा गया कि बर्फा हो रही है, बर्फा हो गई है, अभी बंद रहेगा, और 12 से लेकर के 23 मई तक कोई खरीदी नहीं हुई है। आज 25 है, अभी हमारा गेहूँ नहीं मिल रहा, न बोरी मिल रही, न कोई सुन रहा हमारी बात, न तौलाई हो रही है। आज लास्ट डेट है हमारा। उमरिया से राष्ट्रीय मिश्रा की ये रिपोर्ट।